हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉर्निंग का व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ सुबह के बज रहे हैं 10, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख लीजिए। तो मैं रेडी किस लिए हुई हूँ, आज हमारे बेबी का वैक्सीनेशन डे है, तो वैक्सीन लगवाने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि वैसे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो मैं रास्ते में भी आपको बहुत कुछ बताऊँगी, हमारे यहाँ का पूरा अच्छा सा व्यू बताऊँगी कि बाहर का किस तरह का व्यू है, क्या है। फिर मैं कुछ बातें हॉस्पिटल से भी कर सकती हूँ अगर वहाँ अलाव हुआ तो, अदरवाइज़ मैं फिर आपको घर पे आकर ही सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि डॉक्टर ने क्या कहा, इसकी ग्रोथ, इसकी डेवलपमेंट के बारे में। तो गाइस, मिलते हैं फिर हॉस्पिटल से आने के बाद। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर का व्यू दिखाऊंगी, तो आप देखिए। बाकी की बातें हम हॉस्पिटल में करेंगे। सो गाइस, हमारी बेबी का वैक्सीनेशन हो गया है। एक्चुअली मैं यहाँ पहुँची थी तब मैं आपको कुछ बातें नहीं बता पाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत हो रही है भीड़, यहाँ लोग बहुत आए हुए हैं एक्चुअली, तो मैं अच्छे से प्रॉपरली आपको कुछ नहीं बता पाई। तो इसी वजह से बस अभी अभी हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है और बस अब हम जा रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। यहाँ लोग बहुत बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ इतना मैं डिटेल में बता नहीं पाऊँगी। फ़िलहाल हम बैठे हैं यहाँ पे कैब के लिए, कैब का वेट कर रहे हैं। घर पे जाके मुझे करने हैं बहुत से काम और आपसे कुछ करनी है गपशप और बनाना है प्रॉपरली लंच। एक्चुअली हम ब्रेकफास्ट तो करके आए थे बट लंच की तैयारी मैंने नहीं करी थी, तो बस अब घर जाके लंच करेंगे, थोड़ा सा हमको क्लीन करेंगे, बच्चे को क्लीन करेंगे और फिर हम देन आपसे बातें करेंगे। सो मिलते हैं घर पे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे। आने के बाद मैंने बहुत सारे काम किए हैं, क्लीनिंग, लंच, बच्चे को नहलाना धुलाना, उसको अब मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है, और मेरे हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे हैं अपने ऑफिस का। तो जस्ट बस मैं अब नहा के आई थी, आज मुझे बहुत लेट हो गया है, 4 o'clock हो गया है, शाम के 4 बज गए। तो फिर अब बस क्या, अब मैं बस ऐसा लग रहा है कि सो जाऊं, अब मुझे बहुत ज़्यादा वैसा थकान सी लग रही है। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हम आ गए थे घर पे, मैंने ये सब कर चुकी हूँ और अब मेरा आ गया है नया ट्राइपॉड। तो कल से मैं आपको सारी रूटीन, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से क्लीनिंग और किस तरह से लंच डिनर सब की प्रिपरेशन करती हूँ, बनाती हूँ। तो आपको मुझे कल आपको एक नए व्लॉग के साथ बहुत अच्छा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझसे और क्या क्या पूछना चाहते हैं और मैं क्या इनोवेटिव और कर सकती हूँ इस व्लॉग के लिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आपका इवनिंग व्लॉग भी बनाऊँगी। इवनिंग के लिए मैं कुछ
डिफरेंट तरीके से आपको सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या चीज़ मैं और करने वाली हूँ आगे, तो वो चीज़ मैं आपको इवनिंग वाले ब्लॉग में बताती हूँ। जब तक के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस ठीक है, बाय। तो गाइस आ जाइए, चाय एंजॉय कीजिए। यहाँ मैं बालकनी में बस अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सो भी ली थी, और आने के बाद बहुत काम थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी। वैसे तो मैंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ करा नहीं, जस्ट टोटली डस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑन ऑल, जब बस यही किया है। और बस मैं फिर नहा ली थी लंच वगैरह करके, हाँ क्योंकि आज मैंने पहले ही लंच कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने कर लिया था लंच। तो फिर मैं ये सब करके नहाई थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो ली, फिर अभी उठी हूँ, जस्ट चाय बना के आई हूँ, अपने हस्बैंड को दे के आई हूँ, और बेबी भी जस्ट उठाई है तो वो बस खेल रहा है। तो आज आपने देखा कि हम बस मॉर्निंग में गए, इसका वैक्सीन कर लगाया है, और वहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सब सैनिटाइज वगैरह सब थे, मास्क वगैरह, बच्चों ने प्रॉपर मास्क लगा रखा था, और जो भी कोरोना से इम्पेक्टेड लोग थे वो भी थे वहाँ पर। वो थोड़ी सी कुछ दूरी पर थे, कुछ मतलब सभी लोग सब डिस्टेंसेस मेंटेन करके रख रखे थे लोगों ने, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी कई चीज़ें अवेलेबल करा रखी थी जो कि पेरेंट्स को करनी थी। छोटे छोटे से बच्चे थे जिनको मतलब डर था, जिनके पेरेंट्स को कि वो बच्चे इम्पैक्ट ना हो जाए, तो उनके लिए भी कुछ अलग से फैसिलिटीज़ थी। तो बस आज हमने यही चीज़ें करी है, कल से आपको न्यू व्लॉग में आपको सारी रेसिपीज़ वगैरह मैं कल से बताना शुरू करूँगी। तो जैसा मैंने बताया आपको, मेरा ट्राइपॉड आ गया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर कल के व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आपको रूटीन वाइज सारी चीज़ें बताऊंगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही था, और आज का भी आप व्यू देख सकते हैं, आज बहुत तेज़ धूप है, अभी तक तो धूप ही है। देख रहे हैं ना, अभी भी धूप है बहुत, बस ये थोड़ी सी धूप चली जाएंगी, फिर बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चलेगी तो तब ज़्यादा और मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, तो अब मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।